सलाम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी, कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो रोज की तरह अपनी चुगलियों से भरी पोटली आपके सामने लेकर हाजिर हैं। अब अनुपमा में अनुज ने तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है, लेकिन भाग्य चाहता है कि अनुपमा और अनुज एक बार फिर मिले। इसीलिए तो देखो, भगवान ने अनुज तक अनुपमा की चीजें भी पहुंचा दी हैं, जिसे देखकर अनुज का दिल फिर से धड़क गया है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित का दर्द सबके सामने आने वाला है, लेकिन रोहित ने तो गुस्से में अरमान को ही चांटा जड़ दिया है। बताओ, लड़की एक और प्यार करने वाले दो, भाई कलयुग है, वो भी घोर वाला कलयुग। जबकि गुमे किसी के प्यार में रीवा रातों रात सुरेखा की चहेती बन गई है, और अब वो ईशान और रीवा का ब्याह करा के ही मानेगी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह भाई आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि अनुज अनुपमा की जिंदगी में क्या हो रहा है। अनुपमा में भगवान भी चाहता है कि दोबारा 5 साल बाद अनुपमा और अनुज एक बार फिर मिल जाए, क्योंकि दोनों के तार अभी तक जुड़े हैं। लेकिन अनुज ने तो दूसरी लड़की से सगाई कर ली है, और अब तो लड़की भी अनुज पर शादी का दबाव बना रही है। वहीं अनुज की छोटी यानी आद्या बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, उसे तो छोटी के नाम से ही चिढ़ होने लगी है। अब तो वो बस अनुज से बदसलूकी करती रहती है, मतलब अनुज के राज में भी छोटी और ज्यादा बिगड़ गई है। आज होता ये है कि अनुपमा की मुलाकात होटल में एक लड़की से होती है जो वहाँ खाना खाने आई है। अब अनुपमा उसे इतनी पसंद आती है कि वो उसकी फ़ोटो खींच लेती है, लेकिन अनुपमा को नहीं पता कि वही उसकी सौतन है। अरे, ये वही लड़की है जिसकी अनुज से सगाई हो चुकी है और जल्द ही शादी भी होने वाली है। जिसके बाद बाहर अनुज उसका इंतज़ार कर रहा है, और वो गले लगकर चिपक कर गाड़ी में उसके साथ चली जाती है। अब अनुपमा उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। उधर गाड़ी में श्रुति अनुज से पूछती है कि हम शादी कब करेंगे। अब इसके जवाब में अनुज कहेगा कि भाई सगाई तो हो गई है, अब शादी करने की इतनी क्या जल्दी है। अब ये सुनकर बेचारी श्रुति का मुंह उतर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा का काम मालिक को खूब पसंद आया है, और वो उसे नौकरी पर रख लेता है। लेकिन एक बार फिर अनुपमा मुश्किल में है, क्योंकि रहने के लिए तो जगह ही नहीं है। अब वो मालिक से होटल में रुकने की गुजारिश भी करेगी, और वो मान भी जाएगा। वहीं इसी बीच अनुज अपने घर में शराब पीता नजर आएगा, और वो बस अनुपमा के बारे में ही सोच रहा है। लेकिन श्रुति को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि आज भी अनुज के मन में कोई और है। अब श्रुति का बैग अनुपमा के बैग से बदल गया है, और वो अनुपमा का पूरा बैग खंगाल डालती है। अनुज को साड़ी देखकर फिर अनुपमा की याद सताती है, तो वहीं अनुपमा भी बैग खोने की वजह से हैरान है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है वे बड़ा बबाल होने वाला है, क्योंकि रोहित के सामने सच्चाई आ गई है, और अब वो रूही को ही नहीं बल्कि अपने भाई अरमान को गलत समझने लगा है। रोहित का गुस्सा तो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो सबके सामने सब कुछ भूल कर अरमान पर हाथ उठा देगा। मतलब एक अनार 100 बीमार वाला सीन है। लड़की एक है, उसे प्यार करने वाले दो। अब जल्द ही घर वालों के सामने दोनों की सच्चाई भी आ जाएगी, और पता नहीं दादी सा क्या करेगी। आज होता ये है कि अभीरा अरमान पर भड़क जाती है। वो अरमान पर चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि अब से मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगी। इसी वजह से घर के हॉल में चल रही क्रिसमस पार्टी में भी वो नहीं जाती। अब थोड़ी देर बाद रोहित अरमान को अभीरा के साथ हनीमून पर जाने के लिए मनाता है, लेकिन अरमान नहीं मानता। अब दोनों की ऐसी बातें सुनकर रूही को दुख होता है, और जिसके बाद क्रिसमस का कार्यक्रम होता है, और रोहित बाकी सभी के साथ मिलकर घर का माहौल अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन बेचारे को क्या ही पता कि उसका खुद का मन भारी होने वाला है। अब इसी बीच अरमान भी अभीरा को देखने निकल जाता है, और रास्ते में रूही अरमान को पकड़ लेती है, और वो अरमान को बोलती है कि तुम प्यार के खातिर नहीं, कम से कम इंसानियत के नाते ही मुझसे मिल लो। लेकिन अरमान कहता है कि भूलो मत भाई, तुम मेरे भाई की पत्नी हो। इस दौरान रूही से बोलती है कि मैं कैसे मान लूँ कि मैं रोहित की पत्नी हूँ और तुम्हें भुला दूँ। अब ये दोनों बातों में लगे हैं, लेकिन दोनों की बातों को रोहित ने सुन लिया है, और बेचारा कांच की तरह टूट गया है। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में अलग ही ड्रामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अचानक ही रीवा रानी अक्का साहेब की जान से प्यारी हो गई है। वो उसी से बात कर रही है, उसी के हाथ से खाना खा रही है, मतलब लाडली हो गई है एकदम। ईशान भी रीवा पर लट्टू हो गया है, क्योंकि वो उसके परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रख रही है। लेकिन सुरेखा अभी तक ईशान से नाराज़ है, क्योंकि वो ईशा के पास गया। आज होता ये है कि सुरेखा होश में आते ही सभी का पत्ता साफ करने का प्लान बनाएगी। सुरेखा फैसला करेगी कि वे ईशान और रीवा को एक कर देते हैं, जिससे सभी का साया दूर हो जाएगा। अब ऐसे में सुरेखा ईशान और रीवा की शादी पक्की कर देगी। सुरेखा को अस्पताल में छोड़कर ईशान सभी के इवेंट में भी जाएगा। अब सबके सामने ईशान दावा करेगा कि भाई वो सभी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता,
और ईशान सभी को खुद से दूर रहने के लिए भी कह देगा। अब सुरेखा रीवा की शादी की तारीख बताएगी। अब रीवा सबसे पहले फ़ोन करके सभी को अपनी और ईशान की शादी के बारे में बताएगी। अब सभी फैसला करेगी कि भाई वो रीवा और ईशान की शादी में ज़रूर जाएगी। अब इसी बीच सभी की ज़िंदगी में समृद्ध की एंट्री होगी। अब समृद्ध की वजह से रीवा की शादी से ठीक पहले सभी किडनैप हो जाएगी। अब घूम फिर कर एक बार फिर रीवा और ईशान की शादी कैंसिल हो जाएगी और इन्हीं परिस्थितियों में ईशान सभी की मांग भर देगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर इसी समय मिलने आएंगे। राम राम।